रेलवे विभाग हरकत में आया और रेलवे पटरी को खाली करवा दिया गया और वहीं पर ट्रेन को ऊंची बस्ती में आकर रोका गया। और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रंजीव मेहता जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है, पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस मालगाड़ी की है जो कि बिना ड्राइवर के पटरी पर दौड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद से जब इसकी जानकारी रेल विभाग को लगी तो ट्रैक्स को खाली करवा दिया गया क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और फिर जो पठानकोट से के डमटाल इलाके से ये रेलगाड़ी निकली थी, इसे यहाँ पर आकर कठुआ में आकर रोका गया और ऊंची बसी इलाके में से रोका गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो मालगाड़ी चल रही है और इसको चलाने के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी जो पायलट है वो इसमें नहीं बैठा हुआ। और ये जो ट्रेन है ये ऐसे ही चलती हुई नजर आई। रेल विभाग की अब जांच कमेटी बैठी है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई है, क्या कारण था इस लापरवाही का, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर कोई ट्रेन सामने से आती होती तो भी ये जो हादसा था ये हो सकता था। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो ये कारण क्या कुछ था कि ये जो मालगाड़ी है ये बिना पायलट के पटरी पर दौड़ती हुई नजर आई। जो कठुआ स्टेशन पर ये जी गाड़ी खड़ी थी, जो कंकरा, जो पत्थर, जो कंक्रीट का सामान होता है रेलवे का, उसको उसके बड़ी एक मालगाड़ी जो खड़ी थी, और सुबह 7:20 पर इसका इंजन स्टार्ट किया ड्राइवर ने, और जैसे ही वह इसकी जो हैंड ब्रेक है वो लगाना भूल गया और जी नीचे उतरा और गाड़ी आहिस्ता से चलने लग पड़ी। चलने का कारण जो है, कठुआ स्टेशन पर ऐसी हरकतें पहले भी देखी जा चुकी हैं, क्योंकि ग्रेडियंट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनकी जो पटरी है रेलवे की, यहाँ की ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है। ये एक्सक्लूसिव गुलिस्तान न्यूज पर हम बता रहे हैं कि ग्रेडियंट की प्रॉब्लम जो है कठुआ स्टेशन पर पिछले काफी समय से है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी और जो रेलवे ने जो पटरी बनाई है उसमें जो पुराना फॉल्ट है उसकी वजह से यहाँ पर एक ढलान है, जिसकी वजह से अगर हैंड ब्रेक गाड़ी को नहीं लगाई जाए, मालगाड़ी को, तो जी वहां से ये ट्रेन जो है वो खुद भी खुद चल पड़ती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, करीब एक दशक से भी अधिक समय पहले, कि जब भी पंजाब की तरफ से या दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां आती थी वो पल्लवी यहाँ पर ग्रेडियंट की वजह से रुक जाती थी और उनके पहिए एक ही जगह पर घूमते थे, फिर उनकी शंटिंग करके उनको वहां से निकाला जाता था। तो वही जी प्रॉब्लम आज ऐसे आई कि अब जब जम्मू की तरफ से पंजाब की तरफ जाने वाली ये मालगाड़ी वहां पे रोकी गई, और जैसे लोकोमोटिव जिसका पायलट था वो नीचे उतरा, और ये ढलान होने की वजह से, क्योंकि इसकी हैंड ब्रेक नहीं लगी थी, तो ये चल पड़ी। और चल देखते ही देखते पहले इसको वहीं पर रोकने की कोशिश की गई, जी रेलवे जो प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन वहां पे सफल नहीं हुए, और देखते देखते इसकी स्पीड जो है वो काफी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो गई, जिसको देखते हुए स्टेशन मास्टर ने आगे के जितने भी स्टेशन पड़ते हैं उनको सूचना दी, और जो पटरी है, मेन पटरी है, उसको खाली करवाया गया, जो गाड़ी है उस पर थी उनको साइड लाइन में करवाया गया, जिसके चलते ये गाड़ी चलती गई। लेकिन इसको सजानपुर में भी रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट के सजानपुर में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। जी पठानकोट से आगे, पठानकोट का जो कैंट का स्टेशन है वो बिजी स्टेशन है, वहां पर कोशिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो कंदरौड़ी का स्टेशन है वहां पर भी कोशिश हुई, तो यहां से चलती गई, और ये पंजाब के होशियारपुर के ऊंची ऊंची बसी जो स्टेशन है वहां पर आकर जैसे इसकी स्पीड कम हुई तो इसको लकड़ी के घुटके लगाकर रोक दिया गया, और इसे एक बड़ी जो त्रासदी होने वाली थी उसको बचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी चूक जो बिल्कुल रेलवे के अथॉरिटीज की है वो देखने को सामने मिली है, जिसको लेकर जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू के जो रेलवे ट्रैफिक मैनेजर, उन्होंने बताया कि इसकी जांच शुरू कर दी गई है, और जो भी इसकी चूक के कारण है उनको तलाशा जाएगा, और साथ में जितना भी जो भी प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिए रेलवे ने निर्धारित किए हैं उसको मजबूत करने के लिए भी काम जो है वो किया जाएगा, कि कहाँ पर चूक हुई, ये सारी डिटेल्स जो है, एक जी बकायदा एक रिपोर्ट जो विस्तृत है वो जांच कमेटी को दी जाएगी। और इस हादसे के बाद से जहां पर हड़कंप मचा हुआ पूरे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन में, और जिसके चलते लोगों में भी काफी दहशत हो गई थी, जब ये एक जी डेढ़ घंटे चलिए, तक बहुत एक बहुत ट्रेन शुक्रिया जो है आपका रंजीव लग तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिना लोको पायलट के ये जो ट्रेन थी ये चलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता था, हालांकि किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं हुआ और जिसके बाद अब जांच को शुरू कर दिया गया है।